बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, लिस्टेड कंपनी में मैंने बताया था कि डायरेक्टर रिपोर्ट में क्लिफ सैफ ड्रॉम होता है और उसके अलावा भी ये तमाम चीज़ें होती हैं, जो कि इसका मैं कोड याद करा देना भूल गया था, बता दूं, माइंड्स, MINDS, कैसे, MINDS, माइंड्स याद रहेगा। क्या था एम से क्या है, मेन ट्रेंड फैक्टर्स इफेक्टिंग, क्या इफेक्ट कर रहे हैं, MTF, मेन ट्रेंड फैक्टर इफेक्टिंग क्या इफेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस पोजीशन कंपनी की। आई से क्या है, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज बिजनेस, कंपनी के बिजनेस पे किसका इम्पैक्ट, ICB यानी इम्पैक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस किसका, इन्वायरमेंट का। मैंने इन्वायरमेंट में आपको बताया था PESTL, लेकिन उसके नाम नहीं लिखते, बस आप पोलिटिकल लीगल, PES सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, ठीक है ना। क्या है, पी से पोलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, और एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, इन्वायरमेंट का कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये भी हो गया। MIN क्या है, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसकी नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस और पोजीशन की कंपनी के, ठीक है। और MIN हो गया, डी से डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस से मुतालिक, इंटरनल कंट्रोल से मुतालिक, और एस से स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस, ठीक है, यानी याद रहेगा आप लोगों को। MINDS क्या, मेन ट्रेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस ऑफ कंपनी, MTF किस क्या अफेक्टिंग, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस और पोजिशन। इसी तरह आई से इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ कंपनी, ICB, इन्वायरमेंट का PESTL, पोलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना। और नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट परफॉर्मेंस और पोजिशन की, ठीक है ना। MIN हो गया, डी से डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस, ठीक है। ओके, अब आते हैं सजाएं क्या है। अगर लिस्टेड कंपनी में जो सजा ये है, दो से, अगर डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाई या गलत बनाई, तो दो से, जीरो से दो साल की सजा है, जीरो से दो साल की सजा है, और अनलिस्टेड में जीरो से एक साल की सजा है, ठीक है। और लिस्टेड में एक और जुर्माना है, जो कि जीरो से 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। और आखिरी है जेली, जब तक डिफॉल्ट है और नई रिपोर्ट बना रहे, जब तक रिपोर्ट नहीं बना रहे, जब बना देंगे तो रुक जाएगा, 0 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना डेली होगा, और अनलिस्टेड में 0 से 1,000 रुपये के दरमियान जुर्माना होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको डायरेक्टर रिपोर्ट को अप्रूव कौन करता है, बोर्ड करता है, और साइन कौन करता है, CEO और एक डायरेक्टर। ओके, ये था आपका सारा डायरेक्टर रिपोर्ट, आई होप सब हमने ख़त्म कर लिया और पढ़ लिया। अनलिस्टेड में सिर्फ क्लिफ सैफ ड्रॉम होता है, और लिस्टेड में क्लिफ सैफ ड्रॉम के अलावा माइंड्स भी होता है, माइंड्स हमने पढ़ लिए, MINDS। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ हमें तरक्की दे, बीमारियों से बचाए, उम्र बड़ी करे, और हमें मौका दे खिदमत कर सके इंसानियत का के लिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह मियाँ हमें हर शर से बचाए।